पहली बार किसी ने हिम्मत किया नीतीश कुमार जी 1931 के बाद कि उन्होंने जातीय गणना करा करके और उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, किसी ने ये हिम्मत नहीं की। बीजेपी जात पात नहीं करते, उनके प्रधानमंत्री मन से कहते हैं मैं इस जाति का हूँ और कहते हैं जात पात नहीं करते हैं। कैसे जात पात होता है? उन्होंने ही कहा था कि मैं कहा था। हम लोग तत्पर भी हैं और तैयार भी हैं, पूरी तैयारी के साथ तथ्यों के साथ चीज़ें सामने रखी जाएंगी। अमित शाह को बोलने भी आता है, अमित शाह को भाषण देने आता है, नीतीश बाबू लालू बाबू क्या क्या बोलते हैं, कैसे आप लोग उनको मीडिया में उनको ले पसंद करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी, साथ ही साथ जो आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया है उसकी भी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। अब ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, देखिए काफ़ी खुश दिख रहे हैं, उनके मंत्रियों ने उनका स्वागत किया है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की, अवध बिहारी चौधरी से तमाम तस्वीर दिखा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पहुँच चुके हैं, तस्वीरें आपको तमाम दिखा रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव की हो नीतीश कुमार की हो सभी लोग पहुँच चुके हैं। बीजेपी जमकर विरोध करने को भी तैयार है, वहीं जेडीयू कह रही है कि हम जवाब देने को भी तैयार हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ही जात पात करते हैं। बीजेपी ये ना कहे कि जात पात करती है, 1931 के बाद कभी जाति आधारित गणना कराई गई है और ये जनता के हित में है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद अब उसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। क्या बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा, इसकी तैयारी है। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है, सत्र में हंगामे भी होने हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा। तस्वीरें आपको तमाम दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, उन सबकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। फंसने लगते हैं तो हम लोग पर आरोप लगा लेते हैं। अभी जैसे अभी आप कल आप देखिए हुईगा कि जातीय सर्वे पर उनका आपत्ति थी, अरे हम लोग गड़बड़ किए हैं, आप राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना करा दीजिए ना, सब दूध का दूध पानी का पानी, तब आप कहिएगा कि हम गलती किए हैं, सो आप करते नहीं हैं, आप भाषण देते हैं, इसलिए उनकी बात पर आप लोगों से भी मेरा अपील है कि मत जाया कीजिए। आप लोग तैयार हैं जातीय गणना की रिपोर्ट सदन में लाने के लिए और चर्चा कराने के लिए? एकदम तैयार है ना, उसकी प्रक्रिया चल रही है। हम लोग कहाँ, हम लोग तो उसको रिपोर्ट जारी कर दिए। पहली बार किसी ने हिम्मत किया नीतीश कुमार जी 1931 के बाद कि उन्होंने जातीय गणना करा करके और उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, किसी ने ये हिम्मत नहीं की थी। बीजेपी जात पात नहीं करते, उनके प्रधानमंत्री मन से कहते हैं मैं इस जाति का हूं और कहते हैं जात पात नहीं करते हैं। कैसे जात पात होता है? उन्होंने ही कहा था कि मैं कहा था। ये आप लोगों के पास तो होगा ही विजुअल, उसको देख करके उनको बता दीजिए ना। हम लोगों ने, स्पीकर महोदय ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता मौजूद थे और हम लोग तत्पर भी हैं और तैयार भी हैं, पूरी तैयारी के साथ तथ्यों के साथ चीज़ें सामने रखी जाएंगी। हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाए, जनता के सवाल को डिस्टर्ब न करे, कपड़ा उपड़ा अपना ना फाड़े, अभद्र व्यवहार ना करे और व्यवहार कुशलता के साथ तमाम प्रश्नों के जवाब सरकार देने को तैयार है, यह हम ऐसा विश्वास का उन्होंने वादा किया के साथ। बीजेपी इसको एक्सेप्ट करेगी इतनी आसानी से आपको लगता है? बीजेपी के एक्सेप्ट करने और ना करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सीएम से इस्तीफा मांगा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ और प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर सरकारें बनाती हैं और प्रपंच के बुनियाद पर चाहते हैं कि उनकी बात मानी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तथ्यों के आधार पर जो सवाल करना है करें, उसका जवाब दें। मुसलमान का कार्ड खेलना चाहती है लेकिन उनके जुमलेबाजी से देश की जनता सब समझ गई है, उनकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी और इस बार 2024 में उनका हिसाब किताब जनता पूरा कर देगी। कल अमित शाह आए थे सर, बिहार सरकार पे तेजस्वी यादव पे। अच्छा ये पहले बताइए, अमित शाह को बोलने भी आता है, अमित शाह को भाषण देने आता है, नीतीश बाबू लालू बाबू क्या क्या बोलते हैं, कैसे आप लोग उनको मीडिया में उनको ले पसंद करते हैं? हमको तो एक बात भी उनकी पसंद नहीं आती है, जो आदमी अपने घोषणा को हमेशा जुमले साबित करता हो तो जनता कभी भी जुमलेबाजों को तरजीह नहीं देगी, ये जनता तय कर चुकी है। तो बीजेपी जेडीयू नेताओं का क्या कुछ कह रहे हैं हमने आपको सुनवाया है, आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है, 5 दिवसीय इस सत्र में कितने हंगामे होंगे, कितनी बातें होंगी और आरक्षण का दायरा क्या बढ़ाया जाएगा क्योंकि बिहार में जाति अधिगणना की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद 2 अक्टूबर को प्रकाशित की गई थी गांधी जयंती के दिन, उसके बाद अब विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सभी साथ हैं, नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा किया, लेकिन अब क्या पिछड़ों का आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, फैसला होगा, क्या बीजेपी तैयार होगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।